ओ राम राम सारियानु। तुम्हारा भाई आज दोबारा आ चुका है ब्लॉग लेके नया। तो नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। बहुत दो दिन गया हो गए मुझे वीडियो ना डाले हुए। मैं कहीं गया था एक्चुअली मम्मी को लेने, और अब मैं आ चुका हूँ। तो अब मैं डालूँगा आज एक बढ़िया सी वीडियो, और आज मैं करने वाला हूँ एक नई अनोखी सी चीज़। नमस्कार, आज मैं आपको दिखाऊंगा इससे मजे। देखते हैं इसको ले जाते हैं पब्लिक में और क्या रहता है पब्लिक का रिएक्शन। आज खाने में बना है दाल चावल, दाल चावल, और बनाया है हमारी मैडम ने। मैडम ने, माता जी भी घर में आ गई हैं, और आप मुझे देख सकते हो मैं बिल्कुल फुल मस्ती के मूड में हूँ। तो जितने भी उत्तराखंड की गाड़ियाँ हैं उनको मिलेगा आज दाल चावल। टोकन लिया है सबने? टोकन लिया आपने? टोकन आपको लेना पड़ेगा यहाँ से। तो टोकन सबने ले लिया है। बिल करवाने खाना खाए, गाड़ी अभी रुकेगी आधा घंटा। तो गाइस, कैफे जस्ट पहुंचने वाला हूं। एक्चुअली वहां किसी को नहीं पता है कि मैं हल्द्वानी आ गया हूं। सबको लग रहा है अभी मैं दिल्ली हूं। तो वहां जाते हैं और ये माइक्रोफोन बजाते हैं, देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा रहता है। आई होप वो देख ना रहे, बस तो उसका रिएक्शन देखते हैं। ये रहा कैफे। तो ये भाई चंट निकला, इसने पकड़ लिया हमें। क्या कहोगे सर? पकड़ लिया, बस अब क्या कहना है। देख लिया इसने। तो क्या कर रहा है भाई? अरे ये जूस वाले दरवाजा बंद कर। ये जूस वाले चालान कटेगा तुम्हारा। तो ये हमारे जूस वाले भैया वो गाय बड़े वाली है अंदर है। हाय भैया। नमस्कार, जूस ने सेल। उधर खड़े होके चिल्लाओ। तो ले जी दोस्तों, भाई भी मजे ले रहा है स्पीकर के साथ। तो कैसे? जी हाँ कस्टमर, आपने सही सुना, बर्गर ही बर्गर। बचपन सबकी अंदर होता है, चाहे उम्र कितनी भी हो जाए ना। देखिए कैसे हाथ में खिलौना आते हुए चल रहा है। तो लो जी, फिर से आ गए हम हल्द्वानी के मशहूर कैफे में। मोजो कैफे, कैफे, कैफे। जी हाँ, यहाँ आपको मिलेगी शानदार कोल्ड कॉफी, कोल्ड कॉफी, कोल्ड कॉफी, जिसको बनाते हमारे कुलदीप जी, कुलदीप जी, कुलदीप जी। तो हल्द्वानी की निवासी, शहर की निवासी हो, एक बार जरूर ट्राई करें यहाँ की कोल्ड कॉफी, कॉफी, कॉफी। और ये बनाती है बर्गर पिज्जा मैं हमारी, बहुत अच्छा शानदार शानदार। ये रहा स्मार्ट बाजार, उसी के सामने बनेगा आपको भोजो कैफे, कैफे। ये रहे हमारे दर्शक, दर्शक। तो चलो गाइस, चलते हैं फूड मैन पे अपने दोस्त के पास, हमारे प्रिय मित्र संजय जोशी। जोशी अरे फूड मैन किसके? फूड मैन कैसी गर्दन उठाई एकदम फिल्टर के पीछे से आया करके। क्या हाल है सर आपके? हेलो वाले भैया, आप भी बढ़िया। क्या हाल है आपके? हेलो, क्या हाल है? जब तक संजय भाई है किसी का चालान नहीं कटेगा। बात तगड़ी है, सिस्टम है सिस्टम। चला तो संजय भाई से विदा लेते हैं और चलते हैं दूसरी जगह। अरे नारियल वाले भैया, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। अरे कहाँ गए दुकान वाले? सही आराम हो रहा है एकदम। और जी तकिए गद्दे, तकिए गद्दे। चलो जी बढ़ाओ बढ़ाओ, जल्दी बढ़ाओ। तो लो जी इसका कमाल देख लो, ये देखो सतर्क हो गया। तो गाइस इसका रिएक्शन देखते हैं क्या रहता है। समझते हैं सब, सब समझते हैं। देखो ओ यो, बस बस
ये देखो गाइस सारे कुत्ते। तो दोस्तों अभी हम आए हल्द्वानी के सबसे फेमस जूस। भैया बहुत अच्छा शेक बना। कौन सा जूस पियोगे? कौन सा जूस पिएगा? मैंगो शेक। भैया एक मैंगो शेक करना यार। तू कौन सा देगा? अनार। एक अनार भी कर देना। सुनाई नहीं दे रहा को? सुनाई नहीं दे रहा क्या? तो गाइस अभी कैमरे में देख रहे हैं दोस्त और यहाँ से आवाज लगा रहे हैं, देखते हैं वो सुनता है या नहीं सुनता है। पंकज पंकज मेरे भाई देखते आता है। आ गया देख रहे हो दोस्तों शक्तिमान वो आया। पंकज मेरे भाई कैसा है? गाइस अभी मैं अपने बड़े भाई प्रा की शॉप में अभी कस्टमर बुलाता हूँ, देखो वहाँ से सीधे ऑल द वे फ्रॉम दिस शॉप। आ जाओ चाप चाप चाप। गाइस देखो कस्टमर भी आ गए हैं तो हमारा गैजेट काम आ रहा है। बल्ले बल्ले बल्ले। तो गाइस मैंने बोला और कस्टमर देखो किस टाइप पे आ गए तो हमारे पाजी खुश हैं। भैया मोमो है। अरे चाप लगा देना यार भैया। भैया आप कौन सी चाप का होगे? ओए होए होए प्रकाश बेटा चाप भेज दी तूने? चल मेरे बत्तर बड़ा 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 भाई। ये मजदूर का आधे का दिया लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों में फलने की जरूरत नहीं। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रहने से बेहतर है यहाँ मर्दों में रहो। शेर की तरह बिजड़े में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है का दिया। तो चाहता है कि मैं तेरा कुत्ता बन के रहूं। तो कहे तो भोंकू, तो कहे तो काटो, तो क्या ऐसा ही समझो। हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इज्जत होगी, रुपया पैसा होगा, लोग डरेंगे तुमसे। डराकर लोगों को वो जीता जिसके हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना शौक है तो उन कुत्तों का सहारा लेना छोड़ देगा दिया। गाइस इसी के साथ एंड करते हैं आज का ब्लॉग। ज्यादा मौज मस्ती हो गई है, अब इसको देते हैं रेस्ट और अब मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ। बोल बोल सब हो जाएगा। तब तक वीर जी गुड नाइट बोल रहा है। गुड नाइट बोल दो। अरे गुड नाइट तो बोल सकते हो। गुड नाइट। तो लाइक किए, शेयर किए, शेयर और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। बाय बाय।